दुकानों के अगे व्हीकल खड़वाने वालों के हुण नगर निगम ने लगाई परची, इहदा कीता गया अज बाजारां दे विच विरोध। साबका कौंसलर विजय कुमार एम सी ने बोलदे कहा कि जो दुकानों के उत्ते जो इत्थे गाहक आउंदा जां कोई भी इत्थे दुकानदार अपना व्हीकल बाहर खड़ा करता है, वह पी लैंड के अंदर भी खड़ा करता तो उसकी भी परची लगेगी। इहदा विरोध करते हुए अज उन्हां वल्लों दुकानदारां नूं जगाउण दे लई टल्लियां खड़का के बठिंडा के धोबी बाजार के रोस मार्च किया गया। मेरा नाम विजय कुमार एम सी है, मैं समूह जो व्यापार मंडल के लोग है उन्होंने व्यापारियों के मालकों उन्होंने मुलाजमान लैके इतने प्रदर्शन कर लगे हाँ। उस प्रदर्शन के सब तो बड़ी समस्या है कि जो नगर निगम ने एक मता पाया कि जो बाजारों के अंदर मोटरसाइकिल खड़न कारा खड़नगे उन्होंने असी पास बनावे उन्होंने तो असी पैसे वसूल करा। यह पहले बार होया कि येलो लाइन के अंदर जो तुम वड़ोगे तो नगर निगम परची कटूगा, जो बाहरले पासे करोगे तो ट्रैफिक परची कटूगा। दोनों पासे मार है क्योंकि जरा व्यापारी दबका पहले ही फेल हो चुका है, नोटबंदी के टाइम से हो चुका है, उदू बाद जी एस टी लगी उदो हो गया, उदू बाद जो लॉकडाउन लग्या बिल्कुल फेल हो गया, व्यापारी दबका बिल्कुल फेल है। इन्हों के नाल सरेआम धक्का हो रहा है, कहिंदे भी असीं बाजार के अंदर मोटरसाइकिल साइकिल किसी चीज़ की एंट्री नहीं होंदी, जिहड़ी भी एंट्री होगी उहदी परची कट्टी जाऊगी। मान लो मैं एक मिनट लई भी कितें कोई चीज़ लैन लई खड़िया तो मेरी भी परची कट्टी जाऊ। इस हिसाब के नाल तां जिहड़ा आम पब्लिक दे विच्चों बंदा कोई समान लैणा है उहने मार्केट के अंदर एंट्री नहीं करनी। कारण यह है कि जिहड़े उत्थे धृतराष्ट्र बने बैठे, अक्खां ते पट्टी बन्नी बैठे, कन्नां दे रूप पाई बैठे, मूँह ते पट्टी बन्न के अक्खां ते उत्थे बैठे 40 दे 40 एम सी कांग्रेस दे जिन्हां ने उत्थे मता पाया। पहला तो इन्हों ये नहीं सी पता लगे भी असं मता किस गल का पा रहे हैं, हूँ ड्रामे करते हैं, हूँ कहते असं हमदर्दी करते हैं, कल कहते भी असं तो मता वापस कराता। मैनू एक भी कापी इतने आके चौक के संभावना दिखा दो भी आ मता कैंसल करता, जो तुम सजा दोगे मैनू मंजूर होगी। लोगों को बेवकूफ बनाना, पहला मता पाना, जोड़ा मता पाया जाता 21 दिन उनकी पकाई होंगी, उन्होंने चंडीगढ़ भेजा जाता, चंडीगढ़ चो पकाई होकर आ चुकी है। हूँ उन्होंने कहते असं दोबारा मीटिंग करा, सारे व्यापारियों जो माल रोड से धरना लगे से उन्होंने इस करके बेवकूफ बना के धरना चुकाता कि असी तुहाडियां मंगां मान लिया। तुसी दसो मैनू रिटर्न के अंदर एक भी मंग दिखाओ भी तुसी कबूल की है, 40 दे 40 एम सी ने साइन किए हैं भी असी आ मता मान लिया कि 40 दे 40 एम सी जो 43 कांग्रेस के जितते सी कि उन्होंने हाउस के जो मता पाया उनके उन्होंने हाजिरी नहीं है। जिवें भाई साहब ने हमने दसा भी उन्होंने शो करो भी कहड़े कहड़े बंद ने साइन किए हैं। मैं सब दे पंपलेट बंडूंगा इस मार्केट के अंदर, सारे बाजार के अंदर, सारे शहर च दिखाऊंगा भी आ एम सी ने मता पाया। अज प्रदर्शन लैके इन्होंने हाथ टलिया फड़ाना भी टलिया बजाएंगे, उदू बाद जो पार्किंग लग गई तो टलिया बजनगियां। देखो ये टलिया बजा के बैठे करेंगे, गाहक तो आना नहीं, टलिया बजाएंगे। अपने जेबे चो दऊगा के मालक अपने कोलो दऊगा, जे मालक दऊगा तो बोझ पऊगा। 101.22 करोड़ का टेंडर है, 2.5 करोड़ रुपए का भार इस बाजार के उत्ते पऊगा, उनका जिम्मेवार कौन है? ये सदर बाजार का, धोबी बाजार का, पोस्ट ऑफिस बाजार का, हस्पताल बाजार का, सिरकी बाजार का, माड़ रोड का, यह 62 लाख का परला 60 लाख रुपए का, 1.22 करोड़ हो गया। जेड़ा बंदा ठेका लऊगा वो 30 बंदे रखूगा, 10,000 रुपए की दिहाड़ी से 3 लाख रुपया हो गया, 7 लाख रुपया बोझ है जोड़ा ये व्यापारी से मुलाजमान से पऊगा। मेरा क्वेश्चन यही है कि जेडे मुलाजमान के पैसे व्यापारी दूगा, तो व्यापारियों को कहते तुम कार लेके आओगे तो 1100 रुपए दोगे है। मैनू एक नहीं समझ आती, तुम ये दुकाना तो एक और मुद्दा बहुत वाला इस मार्केट का, इन्हों नहीं शायद पता कि जेडे दुकान के अंदर कोई कूड़ा करकट नहीं, इन्हों कहते 800 रुपया दो तो कूड़े चकाई का, कूड़ा दसो कह हों दुकाना के अंदर, दुकाना का जो समान हों बेचन लिए हों है, गत्ता होंदा बकाऊ होंदा, इन्हां ते ओह वी बोझ पाया जा रहा है, उन्हां भी मता पा के उन्हों कैंसल किया जाए। नहीं तो मैं लोगों को कहना जिन्नी देर तुसी व्यापारी लोग नहीं जागोगे कोई कुछ नहीं कर सकता। जिवें किसान कट्ठे होए तुसी भी कट्ठे होकर आपकी लड़ाई लड़ो, हुण तां तुहाडे घर के अंदर वड़ गए, हुण तां तुहाडे घर के अंदर वड़िया, घट्टो घट अपने आप नूं संभालो, लड़ो। अज दा जिहड़ा संघर्ष है बहुत सक्सैसफुल होगा, जिवें लोगों नूं नाल लैके टल्लियां वजावांगे सारे बाजारां 'च।